देखिए, एक शब्द है आमतौर से बोलचाल में लिखने पढ़ने में प्रयोग होता है, मजबूरी। तो इस वीडियो में मजबूरी का इंग्लिश और हिंदी में क्या अर्थ और मतलब होता है जानेंगे। आम बोलचाल में सेंटेंसेस में किस तरह से इस शब्द को प्रयोग करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मजबूरी क्या मतलब होता है इसका। मजबूरी का मतलब होता है एक बल जो मजबूर करे, बाध्य करे, मतलब अ फोर्स दैट कंपेल्स यू इज कॉल्ड मजबूरी। इंग्लिश में मजबूरी को बोला जाएगा कंपल्सन, ऑब्लाइजेशन ऑब्लाइजेटरी, मैंडेटरी कंपल्सिवनेस, प्रेसिंग एंड एटीसी। मतलब और भी इंग्लिश में इसके वर्ड्स हो सकते हैं मजबूरी के। हिंदी में अर्थ होता है बाध्यता, अनिवार्यता, बाधन, मजबूर होने की अवस्था या भाव, लाचारी, विवशता, निसहायता। चलिए एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में मजबूरी शब्द को अच्छी तरह से यूज करके समझते हैं। जैसे बोलेंगे, कॉलेज में इस विशेष पुस्तक को पढ़ने की कोई मजबूरी नहीं थी। मतलब वह इंग्लिश में, देयर वॉज नो कंपल्सन टू रीड दिस पर्टिकुलर बुक इन द कॉलेज। दूसरा एग्जाम्पल है कि ऐसे में यह भारत और चीन की कूटनीति मजबूरी है। मतलब वह इंग्लिश में, इन सच अ सिचुएशन, ऐसी हालत में, इट इज़ द डिप्लोमेटिक कंपल्सन, कूटनीतिक मजबूरी है, ऑफ इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना की। ठीक है, तो उम्मीद है आपने मजबूरी शब्द को इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।